हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जनकुक यहाँ पर यूनो से बातें कर रहा था। यूनो ने कहा, जनकुक तुमने शादी कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। जनकुक ने कहा, क्यों नहीं, मैं शादी क्यों नहीं करता, पैसे से सब कुछ होता है, पैसा है तो सब कुछ है। तियांग इस बात को आकर सुन लेता है और तियांग को बहुत बुरा लगा। वो जनकुक को देखते हुए वो रूम में चला जाता है। जनकुक वो तियांग को नहीं देखा था, वो फोन पर बातें करने में बिजी हो गए थे और यूनो से कहता है, तुम्हें पता है मैंने शादी पर बहुत सारा खर्चा किया है और इस शादी पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे सिवाय तुम्हारे, तुम नहीं आ पाए ना, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। यूनो कहता है, जनकुक तुम मुझसे नाराज मत होना, मैं तुम्हारी शादी पर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने ही कहा ना पैसे सब कुछ मिलता है, तो मेरे पास भी पैसा है, तुमने मुझसे क्यों नहीं शादी किया। जनकुक ने कहा, यूनो आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो, तुमने तो हमेशा मजाक किया है ना। यूनो ने कहा, मैंने कभी मजाक नहीं किया, मैंने हमेशा सीरियसली कहा, लेकिन तुमने उसको मजाक समझ लिया। अगर तुम्हें ये बात पहले पता होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे पास पैसे भी है, क्या तुम मुझे मिलते। जनकुक ने कहा, ये नहीं हो सकता है, मैं तियांग से प्यार करता हूँ। यूनो ने कहा, जनकुक तो पैसे सब कुछ कैसे मिल सकता है, तुम तियांग से प्यार करते हो और तियांग तुम्हारे पास है, तुम बहुत ही खुशनसीब हो, लेकिन मेरे पास पैसे होते हुए भी तुम मेरे पास नहीं हो। जनकुक ने कहा, यूनो मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। यूनो ने कहा, जनकुक प्लीज तुम ऐसे बातें मत बोला करो, मुझे बहुत ही पेन होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जनकुक यूनो से कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं तुमसे बाद में कॉल करता हूँ। ये कहते हुए फोन रख दिया और वो अपने रूम में चले आए। उसने देखा कि तियांग अपने बेड पर लेटा हुआ है। जनकुक ने कहा, तुम कब घर आए और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया है कि तुम घर वापस आ चुके हो। तियांग ने कहा, मैंने ही कहने के लिए मना कर दिया। जनकुक ने कहा, लेकिन क्यों। तियांग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। जनकुक तियांग की बाहों में आ जाता है और कहता है, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या। तियांग ने कहा, मैं क्यों तुमसे गुस्सा होने लगा। जनकुक प्लीज हटो मेरे ऊपर से, मुझे अभी सोना, मैं बहुत थक गया हूँ। जनकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तियांग ने कहा, और क्या करूँ, मुझे बहुत थकन हो रहा है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। जनकुक जनकुक ने तियांग की बॉडी पर सहलाते हुए कहा, लेकिन मुझे तो थकन नहीं हो रहा है ना, तो तुम्हें मेरे साथ। तियांग ने कहा, जनकुक बस करो। उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा, अपनी सेट पर जाकर सो जाओ और मुझे तंग मत करो। जनकुक ने कहा, तियांग प्लीज ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे नाराज हो किसी चीज के लिए। तियांग ने कहा, जनकुक मैंने कहा ना मुझे अभी सोना है। ये कहते हुए तियांग दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं। जनकुक को बहुत बुरा लगा, लेकिन जनकुक वो अपने आप को पूछ रहे थे, उसने ऐसा क्या कर दिया होगा जो तियांग इतना नाराज है। शादी के कुछ ही दिन हुआ है और तियांग जनकुक से नाराज हो गया, लेकिन क्यों। फिर जनकुक ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तियांग शायद बहुत ही थक गया होगा, मुझे सुबह को तियांग से बात करना होगा। सुबह होने पर जनकुक उठ जाते हैं और वो शावर लेने के बाद बाथरूम पहनकर बाहर आ जाते हैं। तियांग वो सोने की एक्टिंग कर रहा था ताकि जनकुक से कोई बात ना करना पड़े, लेकिन जनकुक ने तियांग की बॉडी में से चादर को हटाते हुए कहा, तियांग के चेस के ऊपर आते हुए कहा, अभी तो हमें और भी बहुत कुछ करना है, तुम्हें मुझे किस भी करना है और रोमांटिक भी होना है, चलो तुम ऐसे लेटे नहीं रह सकते हो। तियांग ने कहा, जनकुक क्या कर रहे हो, सुबह सुबह उठो मेरे ऊपर से। जनकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कल रात को भी तुमसे मुझे दूर रखा था, आज भी तुम ऐसे ही कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो ना, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है। तियांग ने जनकुक को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, पैसे से तुम किसी और को अपने करीब ला सकते हो लेकिन मुझे नहीं, समझ गए तुम, मैं पैसे के लिए तुम्हारी करीब नहीं आ सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा मन करेगा तो ही मैं तुम्हारे करीब आऊँगा वरना नहीं। ये कहते हुए तियांग वॉशरूम में चला गया। जनकुक ने कहा, तियांग तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर यूनो जनकुक को कॉल कर रहा था। जनकुक यूनो की कॉल को उठाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इतनी सुबह को क्यों कॉल कर रहे हो। यूनो ने कहा, जनकुक इतने सुबह को क्या मतलब है, सुबह की 11 बज चुका है, वो मैं तुम्हें ये पूछने वाला था, क्या तियांग तुम मेरे घर पर आ सकते हो, मैं शादी के बाद तुम दोनों को ट्रीट देना चाहता हूँ, मैं खुद अपने हाथ से तुम दोनों के लिए खाना बनाया है। जनकुक ने कहा, लेकिन तियांग। यूनो ने कहा, तियांग क्या। जनकुक ने कहा, वो तियांग मुझसे नाराज है, लेकिन क्यों मुझे नहीं पता, उसने मुझे ये कहा। यूनो ने कहा, जनकुक क्या उसने तुम्हें कल मुझसे बात करते हुए सुन लिया था। जनकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं जब अपने रूम में गया तो मैंने देखा कि तियांग बेड पर लेटा हुआ है। उन्होंने कहा, जनकुक मुझे पता चल गया क्या हुआ होगा, तुम उसे सॉरी कहना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, तुम्हारा कहने का वो मतलब नहीं था,
जनको ने कहा, लेकिन इवनो तुम क्या कहना चाहते हो? इवनो जनको को समझाता है, लेकिन यहाँ पर तियांग अपनी बैग पैक करते हैं, यहाँ से जा रहा था। जनको के लिए एक लेटर छोड़कर गया है। जनको उस लेटर को हाथ में लेकर रो रहा था। जिमिन ने जनको से कहा, क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो? जिमिन वो जनको के ब्रदर इन लॉ है और युंगी जनको के ब्रदर है। जिमिन ने कहा, जनको क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? और तियांग कहा है? जनको ने कहा, वो मुझे छोड़कर चला गया। जिमिन ने कहा, क्या तुमने उसे कुछ कहा है? जनको ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। जिमिन ने कहा, तो फिर तियांग ऐसे नहीं जा सकता, वो ऐसा लड़का नहीं है। क्या उसने कुछ बताया था तुम्हें पहले? जनको ने कहा, वो उसने मुझे सुबह को ये सब कुछ कहा था। तो उन्होंने कहा, शायद उसने मेरी बात सुन लिया होगा, लेकिन मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है, और मुझे ये भी पता है कि उसने मुझसे पैसे के लिए शादी नहीं किया है, तो मैं ऐसा क्यों कहूँगा? जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग को तो ऐसा ही लगा ना जनको, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो फिर जाओ, जाकर उसको वापस लेकर आओ। जनको ने कहा, मुझे नहीं जाना है, उसने मुझे गलत कैसे समझ लिया, उसको मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मैं भी उसे नाराज हूँ। जिमिन ने कहा, जनको ये टाइम नाराज होने का नहीं है, अभी अगर तुम भी उसे नाराज हो गए ना, फिर तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगे। जनको कहा, तुम नहीं गए ना, मैं तुम्हें फोर्सफुली वहाँ पर लेकर जाऊंगा। जनको ने कहा, मैं समझ गया, मुझे तियांग से मिलना ही होगा और उसको वापस लाना होगा। जिमिन जनको से कहता है, लेकिन तुम उसे ढूंढने कहाँ जाने वाले हो? जनको ने कहा, मुझे पता है वो कहाँ जा सकता है, मैं उसे वही लेने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद जनको एयरपोर्ट पर आ जाता है। तियांग वो और कहाँ जा सकता है, जरूर उसने पेरिस की टिकट किया होगा। उसके बाद जनको एयरपोर्ट पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तियांग नहीं मिल रहा था। जनको तियांग को बहुत ढूंढ रहा था। उसके बाद उसको पता चला पेरिस की प्लेन जो है वो उड़ान भर चुका है। जनको यहाँ पर बैठ जाते हैं और रोने लगता है, और उसने कहा, मैंने लेट कर दिया, मुझे पहले ही निकल जाना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, अब मैं तियांग को कहाँ से ढूंढूंगा? जनको वो बुरी तरह से रो रहे थे, अपने सर को नीचा करते हुए। अचानक उसकी सर पर किसी ने हाथ रखा और कोल बॉयज में कहता है, क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, किससे मिलने आए हो? जनको ने कहा, तियांग तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो मैं किससे मिलने आया हूँ? ऑब्वियसली मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हें वापस लेने के लिए आया हो। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं जाना है तुम्हारे घर पर। जनको ने कहा, तियांग लेकिन क्यों नहीं जाना है, और तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे थे? मेरे यकीन मानो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तियांग ने कहा, तो फिर क्या मतलब था? जनको कहता है, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मुझे पता है तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी नहीं किया है, और न ही मेरे पैसे के लिए तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, चाहे पैसे हो या ना हो, मुझे बिल्कुल यकीन है तुम पर। लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ? तियांग ने जनको की लिप पर किस कर लिया। जनको लगातार बोले जा रहा था, तो दोनों बहुत देर तक किस कर रहे थे। सभी लोग उन दोनों को रोमांस करते हुए देखकर तालियां बजाने लगता है और कहने लगता है, मेड फॉर ईच अदर। उसके बाद तियांग और जनको एक दूसरे से अलग होकर कहा, जनको मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर नहीं जा सकता हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ मेरे जगह पर रहना पड़ेगा जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। जनको ने कहा, लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? तुम्हारे पास तो अभी घर भी नहीं है ना। तियांग तुम बुरा मत समझना, मुझे पता है तुम खुद से कुछ करना चाहते हो। तियांग ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। जनको ने कहा, ठीक है तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं वही करूँगा, तुम मुझे जहाँ लेकर जाओगे मैं वही जाऊँगा। उसके बाद तियांग जनको को लेकर पेरिस आ जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग तुमने सब कुछ कब प्लानिंग किया था? तियांग ने कहा, जनको मैं तुम्हें पेरिस बहुत पहले लेकर आना चाह रहा था, हम दोनों की हनीमून के लिए, मैंने दोनों के लिए टिकट बुक किया है, तुम्हें क्या लगा कि मैं खुद यहाँ पर आने वाला था क्या? जनको ने कहा, लेकिन हम घर पर बिना बातें यहाँ पर आ गए। तियांग ने कहा, किसने कहा? तियांग ने कहा, तुमसे किसने कह दिया? तुम्हारे अलावा सबको ये बात पता है। जनको ने कहा, क्या तो मेरे अलावा सबको पता है, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, वो मैं बस नाटक कर रहा था, हाँ मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने बाद में सोचा तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो मेरे बारे में, तुम्हें पता है कि मेरे पास सब कुछ था और मेरे पास जो कुछ भी नहीं है वो क्यों नहीं है ये बात तुम भी जानते हो। मेरे अंकल ने मुझसे बिट्रे किया है तो मैंने सब कुछ उनको दे दिया, मैं फिर से वो सब कुछ कमाऊंगा, तुम जानते हो ना। जनको ने कहा, तियांग मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है,
लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस बात को कभी मत भूल जाना। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने मुस्कुराते कहा, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे ही दोनों खुश रहने लग गए। शादी के 1 साल हो गए। जंगकुक की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी लोग बहुत खुश है। पेरिस सब लोग जंगकुक का तियांग से मिलने आ गए। तियांग और जंगकुक पेरिस में ही रुक गए क्योंकि यहाँ पर तियांग के घर है जो तियांग ने किसी को नहीं बताया था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग मुझे कोरिया वापस जाना है। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हें तो पता है ना कि कोरिया में मेरा घर जो है। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे पता है लेकिन मेरा घर तो है ना। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्यों? अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रह सकता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं रह सकते हो? इसमें प्रॉब्लम क्या है? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं। जंगकुक ने तियांग की लिप पर स्वीटली किसकाते हुए कहा, तुम दोबारा से मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें कोरिया वापस लेकर जा सकता हूँ लेकिन एक शर्त पर। जंगकुक ने कहा, वो क्या? तियांग ने कहा, तुम क्यों जाना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मुझे अपने बच्चों को कोरिया में जन्म देना है। तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन एक शर्त पर, मैं तुम्हें जहाँ लेकर जाऊँगा तुम्हें वही रहना होगा, तुम्हारे घर पर नहीं जा सकते हैं। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना। जंगकुक ने कहा, ठीक है। और दोनों कोरिया वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद तियांग जंगकुक को सरप्राइज देता है। तियांग ने जंगकुक के लिए घर खरीदा है क्योंकि अब तियांग के पास बहुत सारे पैसे भी हैं। इन 1 सालों में जंगकुक के साथ तियांग ने पेरिस में जो बिजनेस किया है उसमें तियांग को बहुत सारे पैसे मिले जिससे तियांग इस घर को खरीद सका। जंगकुक को बहुत पसंद आया और उसने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। तियांग जंगकुक को हक करते उसकी फोरहेड पे किस करते हैं कहा, तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत बड़ी तोहफा हो। जंगकुक ने कहा, तियांग फिर भी मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देना है। तियांग ने कहा, ठीक है क्या कहना चाहते हो तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं ट्विंस बेबी को जन्म देने वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या कह सचे? जंगकुक ने कहा, डॉक्टर ने कहा। तो फिर तियांग ने जंगकुक को गोद में उठाकर घूमने लग गए। जंगकुक ने कहा, मेरा सर घूम रहा है, क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। तियांग ने कहा, सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं ठीक हूँ, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग क्या मैं यूनू को कॉल कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा अगर मैं यूनू से बात करूँगा तुम्हें बुरा लगेगा। तियांग ने कहा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, तुम बात कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, तुम जेलेस तो नहीं हो गए ना? तियांग ने कहा, तुम मुझे जानबूझकर जेलेस करवाने की कोशिश कर रहे हो क्या? आखिर मैं जेलेस क्यों होने लगा? जंगकुक ने कहा, इसका क्या मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? अगर प्यार करते हो तो जेलेस क्यों होगे? तियांग ने कहा, जंगकुक क्या बचपनी बातें कर रहे हो तुम? तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो, मुझे जेलेस क्यों करना है? उसके बाद जंगकुक इयोनो को कॉल करता है। इयोनो कहता है, जंगकुक कहाँ चले गए थे तुम और तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया, क्या तुम दोनों साथ में हो? जंगकुक ने कहा, हाँ। तो इयोनो ने कहा, थैंक गॉड कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। जंगकुक ने कहा, इयोनो तुम मुझसे कैसे प्यार करते हो कि तुम मुझे किसी और के साथ देखकर खुश होते हो? इयोनो ने कहा, जंगकुक तुम नहीं समझोगे, जब कोई इंसान किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता है ना तो उसकी खुशी में ही खुशी मिलता है। हाँ मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने मुझसे शादी नहीं किया, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम खुश हो और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला। जंगकुक ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे हो। यूनो क्या तुम मेरे घर पर डिनर पर आ सकते हो? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ। यूनो कहता है, अगर मैं तुम्हारे घर पर डिनर पर आ जाऊँगा क्या तियांग को बुरा तो नहीं लगेगा? जंगकुक ने कहा, क्यों लगेगा? आखिर तुम मेरे दोस्त हो, उसको कोई बुरा नहीं लगेगा, उसने खुद मुझसे कहा। यूनो कहता है, ठीक है तो मैं आ जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यूनो ने कहा, क्या बताने वाले हो तुम मुझसे? अभी बताओ, मुझे और इंतजार नहीं हो रहा है। जंगकुक ने कहा, वो तो तुम्हें डिनर पर आने के बाद ही पता चलेगा। एक कहते जंगकुक ने फोन रख दिया। यहाँ पर तियांग जंगकुक को बातें करते हुए देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो जेलिस भी था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम ऐसे क्यों मुझे घूर रहे हो? तियांग ने जंगकुक की लिप पर किसका लिया। तियांग जंगकुक से अलग होने के बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, कहीं तुम मुझे यूनो से बात करते हुए देखकर जेलिस तो नहीं हो गए? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जेलिस क्यों होने लगा? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और तुम मेरी बेबी को जन्म देने वाले हो। जंगकुक ने कहा, बेबी नहीं बेबीज। तियांग कहता है, वो मैं यही कहना चाह रहा था,
जनको ने कहा, तुम हर बात पर बेबी को क्यों लेकर आ जाते हो? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? तेयांग ने जनको से कहा, मुझे तुम्हारी प्यार पर पूरा भरोसा है। तो रात की डिनर पर यूनो आ जाता है। यूनो डिनर करने के बाद जनको से कहा, तुमने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, मुझे बहुत पसंद आया। जनको ने कहा, मैंने नहीं बनाया है। यूनो ने कहा, क्या, लेकिन तुमने तो कहा तुम मेरे खाना बनाने वाले हो। जनको ने कहा, तेयांग ने बनाया है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यूनो कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जनको ने कहा, मैं ट्विंस बेबी को जन्म देने वाला हूँ। यूनो खुशी के मारे जनको को हक करने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है, लेकिन तेयांग बीच में आ जाता है। यूनो कहता है, सो सॉरी, वो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था। तेयांग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे गले लग सकते हो। जनको ने कहा, नहीं, तुम भी उसके गले नहीं लगोगे। यूनो ने कहा, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है, इतने जेलिस क्यों हो रहे हो? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। तेयांग ने यूनो से कहा, क्योंकि तुमने कभी जनको से प्यार किया ही नहीं, तुम्हें अपने प्यार की तलाश करना चाहिए, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। यूनो ने कहा, तेयांग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझाने के लिए, लेकिन मुझे पता है मैं किससे प्यार करता हूँ और किसे नहीं। तेयांग ने कहा, यूनो, ज्यादा हो रहा है। यूनो ने कहा, तेयांग बस करो, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तेयांग ने कहा, मैं भी नहीं चाहता हूँ। जनको ने कहा, तुम दोनों बस करो। उसके बाद यूनो चला जाता है जनको को बहुत सारी विशेष देकर और तेयांग से कहता है, तुम जनको का ध्यान रखना। जनको ने कहा, तेयांग, तुमने सुना ना, यूनो तुम्हें मेरा ध्यान रखने के लिए कहा है। जनको की बात सुनकर तेयांग ने कहा, क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता हूँ? जनको ने कहा, मुझे तो नहीं लगता है, अगर तुम मेरा ध्यान रखते तो मेरे करीब आते। तेयांग ने इस बात को सुनने के बाद जनको से कहा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं तुम्हारा ध्यान रखता भी हूँ या नहीं। उसके बाद जनको को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाता है और बहुत ही स्लोली बेड पर लेटाने के बाद उसके होठों पर किस करने लगा। जनको ने कहा, तेयांग, बस बहुत हो गया, तुम ऐसे ही किस करते रहोगे ना, मैं बहुत ही हॉट हो जाऊंगा। तेयांग ने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना। जनको ने कहा, तो तुम मुझे और भी ज्यादा तंग करने वाले हो। तेयांग ने कहा, क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ एक बार में ही बहुत सारी बेबी आ जाए। जनको ने कहा, तुम इतनी सारी बेबी को कैसे संभालोगे? और मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। तेयांग ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है तुम कर लोगे। जनकुक ने 5 बच्चों को जन्म दिया और इसके बाद जनकुक पागल हो रहा था। वो किसके गोद में लेगा और किसकी रोना बंद करेगा, जनकुक को समझ में नहीं आ रहा था और वो चीखने लगता है। उसके बाद तेयांग ने जनकुक के फोरहेड पे किस करते हुए कहा, क्या हुआ, तुमने सपना देखा है क्या? क्या बुरा सपना था? जनकुक ने कहा, बोलो कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी बेबीज को आप मेरे पास लेकर आओ, मैं उन लोगों की रोना बंद करना चाहता हूँ, मुझे उन लोगों को खुश करना है। तेयांग ने कहा, क्या अभी तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हुआ है? जनकुक, डिलीवरी होने में अभी भी 3 महीने टाइम है, तो तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि तुम्हारे पास, क्या तुमने सपना देखा है? जनकुक ने अपने सपने के बारे में तेयांग से कहा। तेयांग हंसने लग गए। जनकुक ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो, मैं बहुत ही पेशेंट हो रहा था। तेयांग, अगर सच में 5 बेबीज हुआ तो? तेयांग ने कहा, जनकुक, चाहे कितनी भी बेबीज क्यों ना हो, तुम्हें इतना पेशेंट होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना उनको संभालने के लिए। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। 3 साल बाद तेयांग अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रहा था, एक लड़का एक लड़की, एक का नाम है तेगुक, दूसरा का नाम है तेगुगी। जनकुक ने ट्विंस बेबी को जन्म दिया, लेकिन एक बॉय एक गर्ल है। तेयांग अपने सन और डॉटर के साथ खेल ही रहा था, लेकिन तेयांग ने नोटिस किया कि जनकुक सुबह से ही उल्टी कर रहा है। तेयांग ने कहा, क्या हुआ जनकुक, तुम्हें वॉमिटिंग क्यों हो रहा है? तो तेयांग ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, कंग्रेचुलेशन। जनको ने कहा, इसका क्या मतलब है, क्या आप ये तो नहीं कहने वाले हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तेयांग बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन जनको वो बहुत ही परेशान हो जाता है। तेयांग ने कहा, क्या हुआ जनको? जनको ने कहा, तेयांग, अगर इस बार मेरा सपना पूरा हो गया तो मैं क्या करूँगा इतने सारे बच्चों के साथ? तेयांग ने कहा, जनको ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल परेशान मत हो, अगर हो भी जाते हैं तो मैं हूँ ना संभालने के लिए, जैसा कि मैं अब कर रहा हूँ। तेयांग ने मन में कहा, जब से बेबी हुआ है मैं ही तो संभाल रहा हूँ, तुम कहा कुछ करते हो। जनकुक ने कहा, तेयांग, क्या तुम कुछ बोल रहे हो? जनकुक ने कहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि इसको जन्म देने में कितना पेन होता है, तुम नहीं समझोगे, तुम्हें तो लगता है तुमने ही सब कुछ किया है। तेयांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बुरी तरह से फंसा दिया है, तुमने प्यार की बातें करके मुझसे। तो डॉक्टर ने कहा, तुम दोनों को जो भी करना है बाद में कर लेना, एक दूसरे को घूरते रह गए तुम दोनों, मैं यहाँ पर हूँ, क्या भूल गए? इसके बाद डॉक्टर चला गया और यहाँ पर तेयांग और जनकुक एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देता है। यहाँ पर तेगुक और तेगुक भी हंस रहा था। तेयांग ने जनकुक की लिप पर किस करते कहा,
तुमने मुझे बहुत खुश किया है, तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जो चाहोगे वही होगा। जनगो ने कहा, तियांग मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम श्योर हो? जनगो ने कहा। तो गाइस यही पर ही दियांग कहता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।